कियारा, यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, ये पिक्चर नीचे गिर गई थी। इसे तुम छोड़ो। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कहाँ? तुमने पूरा घर देखा है? हाँ, या? तुम्हें पता है इस घर में एक खुफिया रूम भी है। आज मेरे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें इस हवेली का वो खुफिया रूम भी दिखाती हूँ। तुम इसे मेरे बर्थडे का बहाना ही समझ लो। चलो ना। कोर्स सब यहाँ सेलिब्रेशन में बिजी है। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इस कियारा को लेकर उस शक्ति के कमरे में जाके पहन दूंगी। फिर उस जानवर को जो करना है इसके साथ वो करे। ओह माय गॉड, मैंने हिंदी फिल्मों में ऐसे कई सारे बंद दरवाजे देखे और इन दरवाजों के पीछे देखा कि बहुत सारे राज भी बंद होते। मुझे ना इन बंद दरवाजे और इन बंद दरवाजे के पीछे के राज में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। रियली, कभी कभी इन बंद दरवाजों के पीछे ऐसे राज होते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता है। इसीलिए ऐसे सारे राज ना हमें बहुत शौक कर देते। चले अमेजिंग, ऐसा ताला मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो इस खास पूर्णमासी की रात में चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही इसका नागिन रूप सामने आ गया है। मेरा शक सही था, ये कियारा नहीं, ये प्रथा ही है। तो वो सच में प्रथा है? That means प्रथा जिंदा है? क्या हुआ है? इतनी आंखें क्यों फाड़ रखी हैं तुमने? जो देखा बताऊंगी तो तू भी फट जाएगी। क्या देखा? ऋषि, मैंने देखा कि कोई बात नहीं, पहले केक काट लेते। सब लोग केक कटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तुमने जो देखा जो सुना बाद में बात करते हैं उसके बारे में। चलो, बहुत लेट हो रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज लग रही है ये। I'm sure ये आवाज, ये सब प्रथा ही कर रही है। चलो चलो, सब यहाँ से निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो।
आंधी तूफान आ रही, बाहर निकलो। चलो चलो चलो। महक, क्या बताना चाहती थी तुम मुझे? वो कियारा, कियारा जो है वो प्रथा है, और ये सब प्रथा ही कर रही है। वो मेरा पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन मैं उसे मेरा पर्दाफाश करने नहीं दूंगी। मैं उसका सब के सामने उसका पर्दाफाश करूंगी। मैं, मुझे पता है कि कियारा प्रथा है, हाँ, क्योंकि मैं ही प्रथा महक, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। प्रथा तुम्हारे सामने खड़ी है। वो लड़की जिसको मैंने रूम में बंद किया था, वो कौन थी? प्रथा ने कहा था मैं उसका रूप लेके महक के साथ जाऊं और पता लगाऊं कि महक का प्लान क्या है। वैसे महक प्रथा को यहाँ क्यों लाना चाहती थी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस एक मिनट और महक, एक मिनट में घर के सारे लोग वापस आ जाएंगे और एक मिनट में घर के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक नागिन हो। महक, इस पूरे चांद की चांदनी तुम्हारे असली रूप को सबके सामने वापस ले आएगी, और कल तक जो सबके लिए हीना थी आज सबके लिए नागिन बन जाएगी। लेकिन नहीं महक, क्योंकि मेरे पास एक गुप्त मंत्र है जिसे जपते ही घर के लोग जो भी देखेंगे ना सब कुछ भूल जाएंगे। मंत्रोच्चार करते ही घर के सारे लोग फ्रीज हो जाएंगे, और मैं ये मंत्र पढ़ूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर के सारे लोग भूल जाए वो क्या देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से घर के लोग तुम्हें इस घर के बाहर फेंक दे। तुम्हारे साथ जो करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं करूंगी। और हाँ महक, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी मैं पहले दूर कर देती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम शेष नागिन हो ना? नहीं, नागिनों की नागिन शेष नागिन, देख लो फिर से मेरा ये रूप। पिछली बार तो तुम मेरे हाथ से बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। अब तो मैं तुझे मार डालूंगी, जला दूंगी, आग लगा दूंगी तुझे।